हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जिन्स आरशान में आज हम बनाएंगे अथेंटिक हैदराबादी स्टाइल चिकन दम बिरयानी। हैदराबादी स्टाइल चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम बिरयानी पकाएंगे। उसमें डालेंगे आधा किलो चिकन और बारीक कटी हुई 5 से 6 हरी मिर्च। एक अच्छी अखनी की दम बिरयानी होगी। अभी हम इसमें डाल लेंगे 5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट या अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 1.5 बारीक कटे हुए टमाटर। इस बिरयानी में टमाटर कम लेंगे। अभी डाल लेंगे मुट्ठी भर कोरिएंडर और मुट्ठी भर पुदीना। फिर डाल ले 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक। और 1 बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर। आधी टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे। फिर डाल लेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 बड़े टेबलस्पून बिरयानी मसाला। फिर इसमें डाल लेंगे हम 5 बारीक कटे हुए प्याज को, हमने डीप फ्राई कर लिया है। इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे और थोड़ा सा साइड में रख लेंगे। इस तरह से क्रश करके ऑनियंस को डाल ले। अभी डाल लेंगे 1 कप खट्टी दही। इस बिरयानी में दही का ही फ्लेवर आएगा। और डाल लेंगे 2 नींबू का रस और इन सभी मसाले और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स कर ले, इससे चिकन को अच्छे से मसाले लग जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डाल लेंगे 1/2 कप तेल, जिसको हमने ऑनियंस को हमने जो फ्राई किया था वही तेल है ये। अभी इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा केसर का दूध। 5 से 6 केसर के स्ट्रैंड्स को हमने दूध में भिगोया था, वही दूध है। थोड़ा सा डाल ले और थोड़ा सा साइड में रख ले और फिर से मिक्स करके 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दे। अभी एक बर्तन में पानी उबाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे इलायची, लौंग, शाहजीरा, सिनेमन और थोड़ा सा तेज़पत्ता और डाल लेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। पानी उबलने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 2 कप भिगोए हुए बासमती चावल। हमने यहाँ पे 2 कप चावल यूज़ किए हैं और 1/2 किलो चिकन यूज़ किया है। इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अभी 5 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे और हमारा मैरिनेशन चिकन को ला लेंगे और इसके ऊपर हम डाल लेंगे 1 लेयर चावल का। हमारे चावल को खिला खिला बनाने के लिए हम उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा केसर का दूध और थोड़ा इसे पुदीना और कोरिएंडर। अभी फिर से 1 और लेयर लगा लेंगे। और डालेंगे फिर से थोड़ा सा तेल और केसर वाला दूध। इस बिरयानी में चावल को सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है और बाकी चावल और चिकन दम में पकेंगे। 1 और लेयर लगा लेंगे, लास्ट लेयर। इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर
तरह से और डाल लेंगे फ्राई किए हुए बचे हुए ऑनियंस। एक अच्छी यखनी की दम बिरयानी है हैदराबादी स्टाइल, इसमें चिकन दम पे ही पकेगा। अभी डालेंगे बचे हुए कोरिएंडर और पुदीना। और लास्ट में इसमें डाल लेंगे बिरयानी मसाला थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और एक बड़ा टेबलस्पून डाल लेंगे घी। इस तरह से डाल के एक कपड़े को गीला करके इसके ऊपर ढक दे दम के लिए और मूंछ दे लिड इसके ऊपर। अभी इस बिरयानी को हम आधा घंटे के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। आधा घंटा हमारा हो चुका है। अभी इस तरह से दम निकाल लेंगे। आधा घंटे तक मीडियम फ्लेम में पकने के बाद हमारे चावल पूरी तरह से पक चुके हैं और नीचे चिकन भी अच्छे से पक चुका है। चिकन को मैरिनेट करके रखने से चिकन हमारा परफेक्टली कुक हो जाएगा दम पे ही। अभी ऑथेंटिक हैदराबादी चिकन बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।